वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको सैंडविच बनाती हूँ, ब्रेड की सैंडविच। सबसे पहले हमने ये अपने स्लाइस लिए हैं, स्लाइस को लेके हमने इसके आउटसाइड काट दिए हैं, जिससे ये हमें अच्छा दिखाई दे खाने में। इसके हम बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। एक ब्रेड का पीस लेकर हम इस पे बटर लगा देंगे। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हम इसे बटर लगा लेते हैं चारों तरफ, सारे कोने लगाकर बटर लगा लेते हैं। इसी तरह से हम सभी ब्रेड पर बटर लगा लेते हैं। बटर लगाने के बाद हम इस पे ये हमने थोड़ा चिली सॉस और थोड़ा टोमेटो सॉस मिला के हमने इसको, जिससे हमारा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाए, तो हमने दोनों सॉस मिला के इस पे लगा दिया। हमें इसके ऊपर सॉस लेने की और टोमेटो केचप लेने की जरूरत जरा भी नहीं होती। इसके ऊपर अपना ये खीरा, एक प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रख दी है, टोमेटो फ्रेंड्स, एक आलू का स्लाइस छोटा, थोड़ा सा नमक डाल देंगे हल्का हल्का ही। एक स्लाइस इसके ऊपर रख के हम इस पे हल्का हल्का केचप लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का। चटनी ये हल्की हल्की ही लगाएंगे। इसके ऊपर हम आलू के स्लाइस रख देते हैं। तो हमने ओनियन रख दी है, वन ओनियन रख दी है। इसके ऊपर हमने टमाटर रख दिया है और ये वन खीरा रख दिया है। थोड़ा सा नमक छिड़क के हम इसे बटर वाली साइड से कवर कर देते हैं। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक तवा हम गरम कर लेते हैं। उलट पलट के इसे सेक लिया है हमने, इसे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसे कट कर लेते हैं, तेज धार के चाकू से हम इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सैंडविच बहुत लाइट होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे सैंडविच बनकर तैयार होते हैं, हम इसे प्लेट में निकालते हैं। हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। इसे बहुत टेस्टी बने हैं ये। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।